दोस्तों आईपीएल और क्रिकेट के ऊपर आज के दिन कई सारी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पे पहली अपडेट है आईपीएल 2025 के ट्रेड विंडो को लेकर। इसके बाद ट्रेविस हेड का नया आईपीएल टीम, एसआरएच के रिटेन प्लेयर्स और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से बिना किसी देरी के हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड सभी न्यूज आप लोगों को दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है द्रविड़ को लेकर के। तो टीम इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कोच राहुल द्रविड़ अब आईपीएल में कोचिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। गौरतलब है कि बीसीसीआई के साथ उनके टीम इंडिया के कोच होने का प्रस्ताव अब खत्म हो चुका है, तो अब राहुल द्रविड़ पूरी तरीके से फ्री है। तो ऐसे में वो आईपीएल टीम के कोच बन सकते हैं और करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन जाएंगे तब वो केकेआर के हेड कोच और मेंटोर नहीं हो पाएंगे। तब उस कंडीशन में द्रविड़ केकेआर की टीम के मेंटोर या फिर कोच के तौर पे इंक्लूड हो सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है रोहित शर्मा को लेकर के। तो जब रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन बने थे उनके बाद उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया गया था जिसमें उनसे पूछा गया कि T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट के बाद क्या वो आगे आईपीएल में खेलेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वो अभी आईपीएल में खेलना कंटिन्यू करेंगे और आने वाले कई समय तक वो आईपीएल में खेलते हुए आप लोगों को नजर आने वाले हैं। इसके बाद ही इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से। और राजस्थान रॉयल्स के सुपरस्टार बल्लेबाज रियान पराग को आईपीएल परफॉर्मेंस के वजह से जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है और इससे रियान पराग काफी ज्यादा खुश है। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आईपीएल के वजह से ही उनको टीम इंडिया में आने का कॉल मिल पाया है। इसके बाद ही इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। तो केकेआर की टीम इस साल के ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल रिंकू सिंह के ऊपर कर सकती है, क्योंकि कोलकाता अपने स्क्वाड में मुख्य रूप से रसल, नारायण और श्रेयस अय्यर को रिटेन करेगी। तब उस कंडीशन में ये टीम रिंकू सिंह के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। इसके बाद ही इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेन प्लेयर्स को लेकर। तो एसआरएच की टीम मुख्य रूप से जिन खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी उसमें पहला बड़ा नाम आता है इस टीम के कैप्टन पैट कमिंस का। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है इस टीम के विकेट कीपर हेनरी क्लासेन का और तीसरा नाम आता है अभिषेक शर्मा का। और यदि टीम में मैक्सिमम तीन प्लेयर्स को ही रिटेन कर पाई तो इन तीनों को हैदराबाद रिटेन करेगी और आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल ऑक्शन में ये टीम भुवनेश्वर कुमार या फिर नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर कर सकती है। तो यह था एसआरएच के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट। आप अगली वीडियो में कौन सी टीम के रिटेन खिलाड़ियों का नाम जानना चाहेंगे कमेंट में बताएं। जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक कमेंट आएगा उस टीम के रिटेन खिलाड़ियों का नाम हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है ट्रेड विंडो को लेकर। तो मेगा ऑक्शन में अगर बीसीसीआई ने ट्रेड विंडो को ओपन किया तो टीमें कुछ बड़े प्लेयर्स को ट्रेड कर सकती है और ऑक्शन से पहले यदि ट्रेड विंडो स्टार्ट हो पाया तब उस ट्रेड विंडो में आईपीएल टीमें कुछ बड़े प्लेयर्स की अदला बदली कर सकती है और इस ट्रेड विंडो में बड़े खिलाड़ी ही ट्रेड हो पाएंगे, यानी कि छोटे प्लेयर्स ट्रेड नहीं होंगे, क्योंकि छोटे प्लेयर्स को अगर ट्रेड करेगी भी टीमें तो उनको मजबूरन रिलीज करना पड़ जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है ट्रेविस हेड को लेकर। तो ट्रेविस हेड को एसआरएच की टीम मेगा ऑक्शन के रूल्स के चलते रिलीज कर देगी। तो जब ट्रेविस हेड ऑक्शन में आएंगे तो इनको मुख्य रूप से बेंगलुरु और इसके साथ ही मुंबई इंडियंस जैसी टीमें टारगेट करेगी, क्योंकि दोनों टीमों को विदेशी ताबड़तोड़ ओपनर की तलाश है। तो ट्रेविस हेड को बेंगलुरु और मुंबई में से कोई एक टीम ऑक्शन में खरीद सकती है। इसके बाद ही इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है रिटेंशन को लेकर। तो मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन प्रोसेस में सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट जारी करेगी जिसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा पे होगा। तो रिटेंशन का डेट जैसे ही आएगा हम आप लोगों को बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 महीने के अंदर रिटेंशन प्रोसेस
देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ही इस लिस्ट की नवी बड़ी अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। तो चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी मार्च के विंडो में पाकिस्तान में खेला जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को अगर यूएई में इंडिया के मैच को नहीं करवाया गया तो टीम इंडिया पाकिस्तान जा करके चैंपियंस ट्रॉफी के मैच को खेलने से मना कर सकती है। वहीं इस लिस्ट की 10वीं अंतिम अपडेट इंडिया जिम्बाब्वे के T20 सीरीज को लेकर। तो पहला T20 6 जुलाई को शाम 4:30 बजे से शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की टीम खेलेगी। तो ये था IPL और क्रिकेट से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।